अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, ये सारे कंटेनर आम के खड़े हैं यहाँ पे जो ईरानी गाड़ियों के इंतज़ार में। अभी ईरान से जो है टोटल कोई 70-75 गाड़ियों का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अलाउ दिया हुआ है। वो लोड गाड़ियाँ आती हैं जिनमें से 50-60 तो सिर्फ बाउज़र होते हैं, उन बाउज़रों में ये माल लोड हो नहीं सकता। तो ये सारे एक्सपोर्टर बेचारे परेशान हैं, ये दो दिन से ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, आम है, ख़राब हो रहा है। तकरीबन कोई 44-45 डिग्री यहाँ टम्परेचर है। ये सारी गाड़ियाँ कुछ यहाँ खड़ी हैं, मुख्तलिफ और जगहों पर भी खड़ी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी गाड़ियों को अलाउ नहीं है कि ज़्यादा रश बनाए, एक ही जगह पर खड़ी हूँ। वो सामने दो गाड़ियाँ भी हैं आम की हैं जो कांटे के इंतज़ार में है। ये सारा आम है जी, तो इस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन ले। हमारे मुल्क का जो है एक्सपोर्ट है जो ऐसे तबाह हो रहा है यहाँ पे बॉर्डर पे ईरानी गाड़ी के इंतज़ार में। ईरानी हकाम कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान ने गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं, 3 दिन बॉर्डर बंद कर रहे हैं, 4 दिन खोल रहे हैं। कोरोना ने अगर 3 दिन में नहीं आना तो 4 दिन में कैसे आएगा? या तो मुकम्मल बंद कर दें या तो मुकम्मल खोल दें, ये ईरान कह रहे हैं। हालांकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करें, कोई MTV का जो हमारे एक्सपोर्ट है उसे ना करें 75 व्हीकल्स में जो लोड वहाँ से आती है, ताकि हम जो है उसमें अपना ये एक्सपोर्ट का माल लोड करके भिजवा सकें। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को ज़रा देखा जाए। कुछ ये गाड़ियाँ, कुछ में और मज़ीद गाड़ियाँ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सारी आम खड़े जी, ये पाकिस्तानी गाड़ियाँ, इन सारी गाड़ियों में आम है, लेकिन ईरानी गाड़ी ना होने की वजह से ये सारा आम, ये सारी गाड़ियाँ आम की खड़ी हैं जी। आप देखें सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ियाँ ही मौजूद हैं यहाँ पे, ईरानी गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदा रहा ये हमारे पाकिस्तान का आम है, एक्सपोर्ट है, हमारा प्रॉफिट ही है, तो इस पर जो है कुछ हमारे साथ अच्छा ही की जाए। ये सारा आम खड़े हैं जी, ये मिट्टी की वजह से इन्होंने कुछ बंद किया। अभी खोलते हैं तो वो आम खुश्क होता है, बंद करते हैं तो आम जलता है, ये मिट्टी ना लगे, उसका एक्सपोर्ट क्वालिटी ख़राब ना हो। ये सारी आम की गाड़ियाँ हैं जी।